हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जिस हमारे पास सेट का चैप्टर कंटिन्यू है और उस सेट के चैप्टर में जो सबसे हमारे पास इम्पोर्टेंट है और टॉपिक है वो है डेमोगन लॉज। डेमोगन लॉज हमारे पास जो पेपर के हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो डेमोगन लॉज हमारे पास डेमोगन साइंसदान का नाम है, उसने ये दो लॉज हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो दो लॉज हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहला लॉ हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा उसका पार्ट जो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पेपर के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है 2020 का, मतलब जो भी नेक्स्ट पेपर आएगा इस सेशन में पेपर जो आएंगे एनुअल, उसमें से ये सवाल यानी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप गौर से देखें, जो चीज़ समझ में नहीं आए आप कमेंट करें, फिर हम उसको आप आंसर आपको बता देंगे। यहाँ पे डेमोगन लॉज आपको वेरीफाई करना है, दो आप पास इक्वल यानी दोनों साइड आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। पहला, सबसे पहले हमने पहला पार्ट लिया आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, पेपर में आपके पास सेट कुछ भी हो सकते हैं, सेट कुछ भी हो सकते हैं, देन उसके एलिमेंट भी आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, और यूनिवर्सल सेट, ये यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि हमारे पास जो जितने भी सेट है उनका मजमू हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल में होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को हम ड्राइव करने जा रहे और प्रूफ करने जा रहे हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास देखो, हमारे पास क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इस लास्ट के हमारे पास क्या है, दो दो पार्ट यानी दो साइड हमारे पास, एक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो आपकी मर्जी है, आप जो भी साइड पहले सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, हम सेलेक्ट करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। हमारे पास क्या है, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है कि आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पे आप डायरेक्ट कभी भी इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते, क्यों कि यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये हमारे पास नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, तो हम क्या करते, डायरेक्ट इंटरसेक्शन निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है तो हम डायरेक्ट इंटरसेक्शन नहीं निकालेंगे। काम क्या करना है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, देन दोनों का आप क्या निकालोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे। तो सबसे पहले अभी हम क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास फॉर ए कॉम्प्लीमेंट पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट हो, बी कॉम्प्लीमेंट हो, सी कॉम्प्लीमेंट हो, हमारे पास क्या होता है, यू माइनस ए, यू माइनस बी, यू माइनस सी, जो भी सेट होगा उसको आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दोगे। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होते हैं, यू माइनस ए। यू क्या हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है, और ए आपके पास जो आपके पास ए सेट गिवन है क्वेश्चन में वो है आपके पास, तो हमारे पास ए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हमारे पास क्या है, एक वन टू थ्री फोर देन फाइव माइनस, देन ए सेट आपके पास वन टू और थ्री। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे सिंपल डिफरेंस है, और सिंपल डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि जो सेम एलिमेंट होते हैं उसको कैंसिल आउट करते हैं, जो भी पहले वाले सेट में बच जाएगा उसको हम सिर्फ लिखेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, और थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो जो सिंपल डिफरेंस के अंदर जो ए में बचेगा या जो बी में बचेगा, जो दूसरे वाले सेट में बचेगा, उसको आप नहीं लिखोगे। अगर बच भी गया तब भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहले वाले सेट में जो बचेगा वही आप लिखोगे। तो यहाँ पे क्या बचा, फोर और फाइव, तो ये आपके पास क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब फर्दर आपका आप क्या करोगे, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, फॉर बी कॉम्प्लीमेंट,
जिस तरह से हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला इस तरह से आप बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालोगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर किसके होते हैं, यू माइनस बी के बराबर होते हैं। अगर ए कॉम्प्लीमेंट होगा तो यू माइनस ए, और अगर बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो यू माइनस बी होगा। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आपके पास ये है 1, 2, 3, 4, 5 माइनस बी सेट आपके पास क्या है 2, 3 और 4। अब सिंपल डिफरेंस में हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं जो सेम होगा, 1 से 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। पहले वाले सेट में जो बचेगा वही लिखोगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1, उसके बाद हमारे पास क्या बचा 5 बचा, तो ये आपके पास क्या हो गया बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर? अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर वापस आ जाए पहले वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट आपने मालूम किया, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नाउ आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला ये वाला, ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया 4, 5, सिंबल हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट ये आपने निकाला इसका हमारे पास क्या आ गया 1, 5। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है, पिछले लेक्चर में आपने आपको बताया इंटरसेक्शन में हमारे पास होता है जो सेम एलिमेंट यानी जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दोनों में वही आप लिखोगे सेम। तो हमारे पास यहाँ पे सेम क्या है 5, 5 है, तो आप क्या लिखोगे 5 ही लिखोगे, बाकी कुछ भी सेम नहीं है तो आप नहीं लिखोगे। तो यह हमारे पास क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास क्या आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। इसके बाद हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए काम करेंगे, तो थोड़ी देर में इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें। अच्छा ये हमारे पास हो गया राइट हैंड साइड, अब हम काम किसके लिए करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो हम क्या करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये आपको मालूम करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। एक बात याद रखो कि जब भी आपके पास किसी भी चीज़ के ऊपर यानी जिस तरह आपको नज़र आ रहा है होल कॉम्प्लीमेंट आ जाए तब भी आप क्या करोगे डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप मालूम नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा जो कॉम्प्लीमेंट के नीचे यानी जो नीचे वाले हैं जैसे यहाँ पे लिखा है ए यूनियन बी, सबसे पहले आप ये मालूम करोगे और देन आप क्या करोगे कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे। तो हमारे पास फॉर ए यूनियन बी सबसे पहले आप क्या मालूम करोगे ए यूनियन बी मालूम करोगे और देन आप क्या मालूम करोगे उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे। यहाँ पे A यूनियन B इज इक्वल टू A सेट आपके पास क्या है 1, 2, 3 यूनियन, और B सेट आपके पास क्या है 2, 3, 4 क्लियर। यूनियन में हमारे पास क्या होता है तरतीब वाइज लिखते हैं, अगर दोनों में आपके पास डबल एलिमेंट आ जाए जैसे 2, 2 तो आप उसको हम सिंगल करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1, 2, 3 और 4 ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। डायरेक्ट दोबारा से बता रहा हूँ डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, आपको पहले कॉम्प्लीमेंट से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप नहीं निकाल सकते, आपको पहले ए यूनियन बी निकालना होगा। जब अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होगा तब भी आप जो है ना पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। पीछे इसी जब हमने राइट हैंड साइड प्रूफ किया था तो उसमें आपको बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए के, बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस बी के। तो यहाँ पे अगर हम अभी निकाले ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, नाउ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट जब भी आएगा उसके साथ लाजमी यूनिवर्सल सेट आएगा,
कॉम्प्लीमेंट जब भी होगा यूनिवर्सल सेट लाजमी होगा, और जो कॉम्प्लीमेंट के नीचे है वही उससे क्या होगा, माइनस होगा। मिसाल के तौर जैसे मैंने आप ऊपर लिख के दिया यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट था तो यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट आपके पास लाजमी आएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट था तो यू माइनस ए। अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट है, समझो ये ए है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो ये ए है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया तो यू माइनस ए। यहाँ पे आपके पास क्या कॉम्प्लीमेंट है, नीचे क्या लिखे ए यूनियन बी, तो जिस तरह से यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए था, अगर यही ए समझते हुए यहाँ पे ए यूनियन बी को आप बराबर करो ए के फॉर एग्जांपल, तो फिर हम क्या लिखेंगे कि यू माइनस ए यूनियन बी। जो भी होगा कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो भी होगा वो यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा, जो भी होगा। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट था यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट था यू माइनस बी, तो जब हमारे पास यहाँ पे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट आपके पास ये है 1 2 3 4 5 माइनस ए यूनियन बी, आपने क्या निकाला ये देखो आपके पास 1 2 3 4। अब हमारे पास क्या होगा, कैंसिल करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। सिंपल डिफरेंस में पहले वाले सेट में जो बचेगा वही आप लिखोगे। तो हम आप यहाँ पे अगर हम देख लें तो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों हमारे पास क्या आ गए, 5 आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया हमारे पास कि पहले पार्ट में हमारे पास यूनियन था इंटरसेक्शन, उलट होगा इंटरसेक्शन और यूनियन, बाकी काम वही होगा सेम टू सेम जिसका हमने पहले पार्ट में किया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज है वो हम आपको बताते हैं। तो सेम टू सेम हमारे पास काम है, सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन के बाद हम प्रूफ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पिछले हमारे पास पार्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या था, इंटरसेक्शन था, इस पार्ट में हमारे पास क्या है, यूनियन है इस साइड पे, ठीक है। तो चाहे यहाँ पे इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो, आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं निकाल सकते, आप पहले उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आप यूनियन निकालोगे। तो हम काम करेंगे पहले फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए को, आपको नजर आ रहा है ऊपर, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 2 3 4 5, माइनस ए सेट आपके पास 1 2 3। डिफरेंस है तो हमारे पास डिफरेंस पे हम क्या कहेंगे, जो सेम होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, 3 से 3, जो पहले वाले सेट में बच जाएगा वही आप लिखोगे 4 और 5, ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए काम करोगे, फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होता है यू माइनस बी के, U means universal set, 1 2 3 4 5, minus B आपके पास B set जो है वो 2 3 और 4, same चीज़ें आपके पास cancel out हो जाएगी, 2 से 2 cancel, 3 से 3 cancel, 4 से 4 cancel। पहले वाले set में क्या बचा आपके पास, 1 और 5 बच गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, B complement आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो आप इसका आप क्या निकालोगे, यूनियन निकालोगे। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का आपका आंसर 4 और 5, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 5। यूनियन में हम तरतीब के साथ लिखते, सीक्वेंस वाइज यानी लिखते, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, 1, उसके बाद 4, देन डबल 5, तो आप सिंगल लिखोगे, ये आपके पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास आ गया टेकिंग जो आपने लिया था राइट हैंड साइड। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया पिछले पार्ट वन में भी आपको बताया कि आप डायरेक्ट जो है ना कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते, आप क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी जो भी इसमें होगा पहले आप वो निकालोगे आप। तो फॉर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सेट आपके पास 1 2 3, इंटरसेक्शन बी सेट आपके पास 2 3 4। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो कॉमन चीज़ होती है वही लिखते हैं, बाकी आप नहीं लिखोगे। 2 2 सेम है तो 2 लिखा, 3 3 सेम तो आपके पास 3 आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है नाउ, तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट के नीचे जो भी होगा वो यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 2 3। तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहां पे आप क्या बचा, 1 4 5, ये आपके पास आ गया है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड या बस लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ गए, तो आप लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। थैंक यू।